The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about stem cells. So stem cells, kya hote hain? कहां से आते हैं, क्या करते हैं, आपका क्या फायदा है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत लोगों ने स्टेम सेल्स के बारे में सुना है, खासकर जब बेबी कोई बच्चा बॉर्न होने लगता है तो आपको बहुत से फोन कॉल आते हैं, स्टेम सेल्स ये प्रिजर्व कर लो, वो कर लो भाई साहब, ये कर लो भाई साहब, वो कर लो। सो क्या क्या होता है ये देखिए, स्टेम सेल्स और उसके डिराइव्ड प्रोडक्ट, उससे कुछ प्रोडक्ट्स डिराइव की जा सकती है, ये एक्चुअली फ्यूचर के मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा प्रॉमिस होल्ड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है, और आपको इसके बारे में जानना अच्छी बात है, एथिकली ज़रूरी भी है। सो क्या होते हैं, ऐसे आपने सुना है और कई बार वंडर करते हैं, कई बार कोई सीरियस डिजीज़ के चलते कई लोग सोचते हैं कि यार काश इसका कुछ और ट्रीटमेंट होता, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई और बोन ल्यूकीमिया हो, ऐसा कुछ हो। सो उसके लिए स्टेम सेल्स क्या होते हैं समझिए, स्टेम सेल्स आपकी बॉडी के रॉ मटेरियल है। स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो जिन ये वो सेल हैं जो कि दूसरे टाइप के स्पेशल सेल्स बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे स्टेम सेल से ही खून के सेल्स RBC, WBCs, एक्सेट्रा, प्लेटलेट्स बनेंगे, स्टेम सेल से ही लिवर बनेगा, स्टेम सेल से ही बोन बनेगी, स्टेम सेल से ही सब कुछ बनेगा, राइट। सो राइट कंडीशन चाहिए उनको और उसको फिर आप ग्रो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। राइट कंडीशन, राइट स्टिमुलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बॉडी के अंदर या एक लेबोरेटरी के अंदर स्टेम सेल्स को डिवाइड करके नए सेल्स यानी कि डॉटर सेल्स बनाया जा सकता है, उन डॉटर सेल राइट कैन ऑल्सो बिकम अ न्यू स्टेम सेल, है सेल्फ सेल, नया स्टेम सेल मतलब ये सेल्फ रिन्यूअल हो जाएगा, एक स्टेम सेल दूसरा सेल्फ सेल मरे ही ना, ऐसा भी होता है। सो सेल्फ रिन्यूअल होता है, या फिर ये एक स्पेशलाइज्ड सेल बन सकता है डिफरेंशिएट होके, स्पेशलाइज मतलब स्पेसिफिक फंक्शन, यानी ब्रेन सेल, हार्ट सेल, मसल सेल, बोन सेल, ब्लड का सेल, ऐसा कोई स्पेशल सेल। तो डॉटर सेल बहुत जरूरी है, राइट, डॉटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बेटी बचाओ, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। उसके बाद नो अदर सेल इन द बॉडी हैज दिस नेचुरल एबिलिटी टू जनरेट अ न्यू टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट स्टेम सेल। तो ये जो स्टेम सेल है, तो रिसर्च उस पर बहुत जोरदार चल रही है, डॉक्टर इस पर खूब खार तरीके से लगे पड़े हैं। सो स्टेम सेल के पीछे रिसर्च क्या हो रही है, और रिसर्चर्स ने ये डेवलप करके हमें क्या क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डिजीज हैपन्स, बीमारी कैसे होती है ना। जैसे आप स्टेम सेल्स को बोन में बनते हुए, हार्ट में बनते हुए, नर्व में बनते, ऑर्गन टिश्यूज में बनते हुए रिसर्च देखो, तो हम समझ सकते हैं कि इसके बनते 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 बीमारी कैसे होगी, कुछ लोग एकदम से एबनॉर्मल कैसे पैदा हो गए, कुछ लोगों की बोन्स कमजोर क्यों है, कुछ लोगों की स्ट्रांग क्यों, कुछ को हार्ट की बीमारी क्यों, कुछ के हार्ट में छेद क्यों है। सो उसको समझना का प्रोसेस चल रहा है, और ये देखने का प्रोसेस जनरली हेल्दी सेल्स को रिप्लेस डिजीज सेल से कैसे हो रहा है, ये रीजनरेटिव मतलब आप कैसे ये जनरली हेल्दी सेल्स से लेके जो बीमार वाले सेल्स है उसको पकड़ के रिप्लेस कर दो, तो ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन हो गया, मतलब आप एक्चुअली में वहाँ लिवर खराब है तो लिवर को रीजनरेट करवा दो, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, हार्ट खराब है हार्ट को रीजनरेट करवा लो, ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है, बोन ट्यूमर, बोन कैंसर है, बोन कैंसर ठीक हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट, कुछ की जरूरत ना पड़े, ये आगे फ्यूचर की बातें हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्टेम सेल। स्टेम सेल कैन बी कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे हम डैमेज टिश्यू, डिजीज टिश्यू को रिपेयर भी कर सकते हैं। सो जो लोग एक्चुअली स्टेम सेल से बेनिफिट करेंगे, ऐसा नहीं कि हर बीमारी बेनिफिट करेगी, जैसे कई सारी बीमारी, डायबिटीज टाइप 1 बेनिफिट करेगा, टाइप 2 नहीं, पार्किंसंस डिजीज हो गई, दिमागी बीमारी, अल्जाइमर्स डिजीज, एमाइलोटॉपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, ऐसी कोई स्ट्रोक हो गया, कोई हार्ट डिजीज हो गई, बर्न हो गया, है ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने खराब हो गए, कैंसर हो गया, ऐसी चीज़ें ज़रूर बहुत ज़्यादा मदद की जा कर पाएंगे ऐसे में। और स्टेम सेल्स में
ऐसे भी पोटेंशियल है कि इससे नया ऑर्गन ही पूरा का पूरा बना लिया जाए और फिर वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल है, राइट? सो जो चीज में डायरेक्टली फायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को, उसके लिए जो मान लो उसका लिवर खराब है, लिवर रीजनरेट नहीं हो रहा, तो उसके लिए लिवर का एकदम ऑर्गन नहीं मिल रहा, डोनर नहीं मिल रहा, तो लिवर कैन बी रीजनरेटेड एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू देम. सो दैट इज वन गुड थिंग, राइट? रिसर्च इसके लिए कंटिन्यू चल रही है ताकि इस ट्रांसप्लांट या रीजनरेटिव मेडिसिन को और ज्यादा किया एडवांस तरीके से किया जाए. नए टेस्ट ड्रग्स दवाएं बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं इस चीज़ को लेके, राइट? जिसके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, उसके आगे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या है, तो इसको समय इसीलिए लग रहा है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को देख के, राइट? और इसका इफेक्टिवनेस ह्यूमन सेल्स में कितना है वो और भी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट चीज़ है. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें नर्व सेल्स, बहुत लोगों के नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, उसको दीज नर्व सेल्स कैन बी रीजनरेटेड इन टू बग, और इसको एक दवा से रीजनरेट किया जा सकेगा एक लेवल पे जाके, और फिर उसको टेस्ट किया जाएगा नर्व डिजीज में, और ये टेस्ट बताएगा कि ये नई दवा उस पर्टिकुलर सेल्स को जिसने रीजनरेट हुआ उसको कितना फायदा करा, और फ्यूचर में उसको कोई हार्म तो नहीं है दूसरे किसी सेल को. सो इट्स अ गुड थिंग, राइट? अब इसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं. चलो अब बेसिक बात, स्टेम सेल होते क्या है? स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज अ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. एम्ब्रियोनिक यानी बचपन वाले, छोटे बच्चे थे आप उस समय, आपके मतलब 3 to 5 days के बीच में, पहले 3 to 5 days से पहले आपका सेल्स उठा लिए गए, जिसके लिए आपको फोन आते हैं ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, बच्चा पैदा होने वाला है, स्टेम सेल्स स्टोर कर लो 20 साल 25 साल, ऐसे बोलते हैं. उसके बाद इस स्टेज में एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं उसमें ब्लास्टोसिस्ट्स, और ब्लास्टोसिस्ट्स में 150 सेल्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट. और ये जो ब्लास्टोसिस्ट्स वाले वन से दीज आर प्लूरीपोटेंट सेल्स. प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स मीनिंग दे कैन डिवाइड इनटू मोर स्टेम सेल्स एंड बिकम एनी टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी. एंड दिस, ये मैं बच्चा पैदा होने की बात नहीं कर रहा हूं, एम्ब्रियो मतलब जो फर्टिलाइजेशन और उसके बाद स्पर्म जाके अंडे से मिला, उसके बाद 3 से 5 दिन के अंदर जो 150 सेल का छोटू सा एकदम पुच्चू था टाइनी और ऑर्गेनिज्म अंदर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो ये प्लानिंग प्रेगनेंसी से पहले करनी पड़ेगी, राइट? वो अलग है, ये प्लूरीप्रोटेंट सेल्स हो गए. और ये सेल्स में वर्सिटैलिटी है, मतलब ये एम्ब्रियोनिक सेल्स एक्चुअली किसी भी प्रकार के रीजनरेट किए जा सकते हैं टिश्यूज या ऑर्गन को. और दूसरे होते हैं एडल्ट स्टेम सेल. एडल्ट स्टेम सेल्स मतलब जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम एडल्ट लोगों में, जैसे कि बोन मैरो में और फैट्स में पाए जाते हैं. और ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में एडल्ट जो होते हैं उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, वेरियस बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं बना सकते. और रिसर्च में एडल्ट स्टेम सेल्स कैन ओनली क्रिएट नो सिमिलर टाइप्स ऑफ, यानी बोन का सेल है तो बोन बनाएगा, फैट का सेल है तो फैट बनाएगा, वो है सिमिलर टाइप्स ऑफ. रिसर्च इसमें कर रहे हैं काम कि भाई बोन मैरो के सेल्स उठा के वो ब्लड सेल्स जो बना रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि कम से कम ब्लड कैंसर एंड ऑल चीज़ों के लिए वो फायदे हो जाए. हाउएवर एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि ये जो बोन स्टेम सेल्स हैं, ये जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, ये एक्चुअली कर सकते हैं दूसरे टाइप के लिए. जैसे बोन मैरो सेल्स हैं, ये बोन या हार्ट के मसल सेल्स बना सकते हैं. सो लेकिन उसके ऊपर अभी सक्सेस होना बाकी है कि भाई बन जाए और रेगुलरली बन पाए, राइट? सो ये रिसर्च अर्ली स्टेज में है और अर्ली स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स अभी सक्सेसफुली है तो सक्सेसफुल, लेकिन वो सेफ्टी देखनी है कितनी है कितनी नहीं, तो बहुत सारे इस पर रिसर्च बाकी है. एडल्ट का जो सेल्स होते हैं, राइट, एम्ब्रियोनिक सेल्स में उसको इवन इंड्यूस किया जाए, उसको अल्टर किया जा सकता है एम्ब्रियोनिक सेल्स बन जाने के लिए, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स. ये भी काम हो रहा है. सो इस केस में क्या होगा, उस सेल से फिर कुछ भी बनाया जा सकेगा. सो इसके ऊपर काम हो रहा है, रिमेंबर दैट. और ये टेक्निक अभी अगेन रिसर्च में चल रही है. और एक होता है पेरीनेटल स्टेम सेल, राइट? स्टेम सेल जो एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं या अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं, जो आपके बच्चा पैदा होने के बाद निकाले जाते हैं,
ये इसकी एबिलिटी होती है कुछ टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स में डेवलप हो जाने की। एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एक सैक है जिसो के बच्चे के सराउंडिंग में होता है, उसमें फ्लूइड होता है, और रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे स्टेम सेल्स आइडेंटिफाई किया है जो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड से ड्रॉ करके प्रेग्नेंट वुमेन से निकाले जा सकते हैं और वो एम्नियोसेंटेसिस में करते हैं। और ये एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल्स अभी उसके ऊपर स्टडी चल रही है कि उनका कितना पोटेंशियल है आगे चल के, उनसे क्या क्या बन पाएगा, राइट। तो ये आपको इतने सारी चीज़ें समझनी है कि स्टेम सेल्स यहाँ यहाँ से होते हैं, और इसके अंदर आगे चल के आगे 10-20 सालों में काफ़ी सारा रिसर्च हो जाएगा, तब जाके हम बोल पाएंगे कि हाँ इससे बहुत कुछ कर पाए हैं, बहुत कुछ ले पाए हैं। लेकिन स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट ज़रूर होते हैं दुनिया के अंदर, और स्टेम सेल्स में ज़्यादातर बोन मैरो के ट्रांसप्लांट होते हैं। बोन मैरो के अंदर बीमारी है, किसी के बोन मैरो में कोई कैंसर है, कोई इस तरह की बीमारी है जिसमें बोन के जो सेल्स हैं वो सही से नहीं बन रहे, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हो रही है, और वो एक डैमेज सेल्स को निकाल के जो कीमोथेरेपी हुई है, मान लो आपकी बोन कैंसर है, आपकी कीमोथेरेपी बोन मैरो खराब हो गई, तो वो डैमेज सेल निकाल के आपके स्टेम सेल्स, बोन स्टेम सेल्स डाल दिए जाते हैं, और वो फिर अच्छे ब्लड सेल्स बनाने शुरू कर देते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। सो बोन मैरो जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, मल्टीपल मायलोमा, ऑल दीज इसमें आपके ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड वाले स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं, नो बिग डील। सो इसी केस में जरूर ट्रांसप्लांट हो रहा है स्टेम सेल्स का। और अगेन रिसर्च अभी बहुत सारी चल रही है इसमें। इम्यून इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्टेम सेल्स आपके बॉडी में बाहर से आ रहे हैं, सो कई बार आपकी आपके खुद के ना हो तो वो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं, यानी फॉरेन बॉडी रिस्पॉन्स जो होता है रिजेक्शन, वो रिसिपियंट की बॉडी में हो सकता है, तो वो एक फॉरेन इन्वेडर अगर ऐसा पकड़ लिया इम्यून ने तो वो पकड़ के और उसको बर्बाद कर देगा, इन्हें डैमेज कर देगा आपका इम्यून सिस्टम। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन का कितना उस केस में स्टडी भी चल रही है, जिससे ये देखा जा रहा है कि अभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए रिसर्च चल रहा है, वो फिर उसको सेफ जोन में लेके करा जाएगा। थेरापिटिक स्टेम सेल्स या जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं, एक और टेक्निक है ये, जिसमें के आपके जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो वर्सिटाइल स्टेम सेल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो फर्टिलाइज्ड एग से निकाले गए हैं, उसको लेके बाहर फिर किसी डोनर के लिए ग्रो किए जाते हैं। सो उस चीज़ पे भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, थेरापिटिक क्लोनिंग, ताकि आपको आगे चल के ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, राइट। सो ये सारी चीज आपको समझनी थी स्टेम सेल के बारे में। आई होप आपको समझ आई है स्टेम सेल क्या होता है, इसका ग्राफ्ट क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है। कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने का।